तो जी जय राम जी की नमस्कार। और मेरे पास से पिछले जो वीडियोस गए ना उनमें काफी कमेंट्स आए कि आप एफएनओ में काम क्यों करते हो, मतलब। और वो क्या बोलते हैं ना कि मेरे को ये ज्यादातर यही चीज सुनने को मिली कि इसमें लोस ही होता है, इसमें लोस ही होता है। तो इसमें मैंने सोचा चलो मैं मेरा जो है ना मेरी मैं एफएनओ में काम क्यों करती हूँ और स्विंग ट्रेडिंग क्यों नहीं करती, ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे को ज्यादा अच्छी क्यों लगती है, इसके क्या बेनिफिट मुझे लगते हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। और किस तरीके से 10.5 लाख जो है ना उसको रिकवर करने की, मतलब ट्रेडिंग से उसको रिकवर करने की जो स्ट्रेटेजी है ना वो मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करने वाली हूँ। देखिए स्विंग ट्रेडिंग न करने के पीछे और ऑप्शन ट्रेडिंग करने के पीछे के जो कारण है ना, सबसे पहले तो मैं वो बताऊँ आपको। स्विंग ट्रेडिंग में हमें चाहिए एक बहुत बड़ा कैपिटल, बहुत बड़ा कैपिटल मतलब समझ लो मिनिमम 50-60 हज़ार तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे, है ना। उतना मैं शुरू से जब से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ तब से कि मैं अगर आप लोगों के साथ में मैं मेरे एक्सपीरियंस बताऊँ तो उतना अमाउंट डालते टाइम एक तो ये रहता है कि यार इतना पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऊपर से उसमें मान के चलो अगर मेरे को प्रॉफिट होता है मैं उसमें या तो एक हफ्ते पे या एक महीने के ऊपर मैं अपना प्रॉफिट कमाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2,500 रुपये 3,000 कमा लूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार मेरे इन्वेस्ट करने के बाद में। इधर ऑप्शन ट्रेडिंग में मेरे को मिनिमम से मिनिमम अगर प्रीमियम मैं लेके चलूँ ना, मतलब एक्सपायरी वाले दिन 3-4 रुपये में भी होता है ना कि प्रीमियम 3-4 रुपये भी पहुँच जाता है। इतना कम कैपिटल लगा के आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, समझ के देखो कि मैंने बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मैंने खाली 1,000 रुपये के कैपिटल में और शेयर खरीदे हैं और उसमें मैंने 1,000 रुपये बचाए भी हैं। कहने का मतलब है कि 1,000 रुपये लगा के 1,000 रुपये बचा लिए, फिर यार इतना मार्जिन कहाँ मिलेगा, है ना। हाँ एक चीज़ आप लोगों की इसमें सही है, जैसे स्विंग ट्रेडिंग में यार इतना लंबा समय एक तो वेट करना, ऊपर से अच्छी खासा मेरे को उसमें इन्वेस्ट करना, और उतना पैसा होता भी नहीं है। मोस्टली जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना उनमें इन्वेस्टमेंट जो होता है ना, ये जैसे LIC वगैरह किस्त वगैरह बनने के बाद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा बहुत जो हम जैसे लोग निकाल पाते मेरे जैसी। अब एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है जो कि इस चीज़ को गलत समझ रहे थे उनके लिए कहना चाहूँगी, अपनी अपनी थॉट होती है। देखो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही घुसो, मैं तो मेरी थॉट जो है ना वो बता रही हूँ आप लोगों के सामने कि एक्सपायरी है। अब सपोज करो कि मैंने सब्जी मंडी में मैं जाती हूँ और वहाँ पे मैं शाम के टाइम पे जाती हूँ, शाम के टाइम पे ज़्यादातर जो सब्जी मंडियाँ होती हैं वहाँ पे हर एक सब्जी सस्ती मिलती है। वैसे ही शेयर मार्केट में अब एक बंदा शेयर लेके खरीद लेके बैठा है अच्छी खासी क्वांटिटी में, उसने ऑफलाइन जाकर करोड़ों में उसने शेयर लिए हैं और वो हम जैसे रिटेलर्स को सेल कर रहा है, उसने एक हफ्ते में अच्छा खासा मार्जिन कमा लिया। अब वो एक्सपायरी वाले दिन हमें शेयर जो भी शेयर वो हमें दे रहा है तो वो शेयर उसने एकदम कम कैपिटल पे हमें दिए हैं, मतलब एकदम कम प्रीमियम पे हमें दिए हैं, सेम सब्जी मंडी के जैसे। अब सब्जी मंडी में हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं, रात के टाइम पे हम सब्जी खरीदते हैं तो वो हमें वो होता है ना कि एक बल्क में हम खरीदते हैं या फिर हमें बहुत सस्ती भी मिलती है। सेम चीज़ एक्सपायरी वाले दिन शेयर मार्केट में हो रही है, हमें कम प्रीमियम पे और एक अच्छा खासा लोट जो है ना हम मतलब अच्छे खासे लोट हम खरीद सकते हैं शेयर मार्केट से एक्सपायरी वाले दिन। अब 100 में से 90% जो है ना क्या होता है कि 90% लोग जो है ना इसमें प्रॉफिट में भी होते हैं, और किस सिचुएशन में प्रॉफिट में होते हैं वो मैं आपको बताना चाह रही थी यहाँ पे कि जब वो लालच नहीं करते। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 3-4 रुपये 5 रुपये में या 8-10 रुपये के प्रीमियम में हमने शेयर खरीदा और हम उसको एक ये सोचेंगे कि हमें वो 20-30 रुपये दे के जाएगा, जब तो हम भाई बर्बाद ही होने हैं। 2-3 रुपये 1 रुपये कुछ पैसे जिस टाइम पे भी बढ़े उस टाइम पे एग्जिट मार लिया, जो मिल गया उतना ले लिया, जब तो बेड़ा पार है, जब तो हम एक जितना प्रॉफिट हमें डिजर्व करते हैं ना उतना प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, जितने हमने अमाउंट लगाया था उस हिसाब से वो प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा। और अगर हम ये सोचेंगे कि ना भाई मेरे को तो इसमें बहुत कमाने हैं, जब तो भाई वो जो क्या बोलते हैं उसको स्विंग ट्रेडिंग ही करनी ज़्यादा बेटर रहेगी। मेरे साथ हुआ है वो मेरे लालच के कारण ही हुआ है, जो नुकसान मेरा हुआ है वो मेरे लालच के कारण ही हुआ है। मैंने पिछले दिनों जो भी आप लोग बोल रहे थे कि मार्केट को पहले रीड करो, पहले मार्केट जो है ना उसको अब ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आएगा, आपके पीछे की जो गलतियां हैं वो देखो, आप पेपर ट्रेडिंग करो, वो सारी चीज़ें समझने के बाद में मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि ऑप्शन ट्रेडिंग खराब नहीं है, इसमें काम करना खराब नहीं है, एक्सपायरी पर काम करना खराब नहीं है। लेकिन अब ऐसा तो है कि भाई मैं सुबह पहले 9 बजे बैठी हूँ और मैंने बैठते ही और फिर अपना एक लोट ले लिया, 2 लोट जितने भी लेना था मेरे को मैंने ले लिया एक्सपायरी वाले दिन, और उसके बाद में और फिर जैसे ही नुकसान दिखना शुरू हुआ स्टॉप लॉस लगाया नहीं, और जैसे ही नुकसान दिखना शुरू हुआ फिर घबरा के लट हो गए। ऐसे से तो काम चलना नहीं है। देखिए मेरा मानना यह है कि मार्केट जो है ना जब भी हम एक्सपायरी पे काम करते हैं ना तो मार्केट एक मौका तो हमें जरूर देती है, तो बस जैसे ही वो मौका मिला उस मौके पर एग्जिट कर जाओ, और अगर कभी कभार लॉस मिल भी गया तो भी डूबा क्या वो 1,000-2,000, इससे ज़्यादा तो कुछ डूबा ही नहीं। और हमने ये चीज़ जब हम रिस्क में घुस रहे हैं
यही तो है हीरो जीरो। अब जब हम रिस्क में घुस रहे हैं, हमें पता है पहले से कि यहाँ रिस्क है, तो हमें अगर थोड़ा बहुत वो जो मिलता है उसमें एग्जिट कर जाना चाहिए। तो ऐसी कुछ मेरी थ्योरी थी इस मामले में। आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना, और आपके कमेंट सर्वोपरि है मेरे लिए। आप मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, मुझे इस चीज़ का पता है, क्योंकि मैंने पिछले दिनों आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है। आपके कॉमेंट्स को रीड करके मैंने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।